This is Sameer Marko, left wing or right wing, only Mark way. हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर किंग सरेश एंड आज हम चालू करने वाले एक न्यू ब्लॉग जो कि होने वाला है डिस्क्रिप्शन के अनुसार, या टाइटल तो आप लोग ने देख लिया ही होगा वो अभी आया। एंड ये देखो यहाँ कुछ इंटरव्यू चालू है। एनीवेज, सो आई एम इन माय ब्यूटीफुल सिटी जबलपुर। सो हाँ, मैं बता रहा था कि अंशुमन है मेरे दोस्त और ये हैं विष्णु। विष्णु अपना म्यूजिक डायरेक्टर है, अंशुमन राइडर है, अभी अभी सीख रहा है ये बंदा और अच्छा भी करेगा। एंड ये बंदा भी बिगनर है एंड आई एम ऑल्सो बिगनर, सो आई विल ऑलवेज बी लर्निंग। सो अपन चलते हैं। आपने देखा अभी हम मंदिर के दर्शन करने गए थे और कुछ बहुत ही अच्छा करने जा रहे हैं। हवा चल रही होगी तो शायद आवाज वोकल सही ना आए एंड इंशाल्लाह भगवान की कृपा रही तो बहुत कुछ नया एंड मस्त होगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं। हम लोग अभी हैं कृतिका स्टूडियो में जो कि है जबलपुर में खमापुर के पास। सो मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा, अगर आप कुछ भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो हमारे अंकल जी से संपर्क कर लेना। अरे अंकल जी, सो मिलते हैं। तो गाइस, मैं एक खासियत बता दूं इस स्टूडियो की, अंकल जी का स्टूडियो है। स्टूडियो का नाम जैसे कि मैंने आपको बताया था रतिका स्टूडियो। एंड खासियत ये है कि यहाँ पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे जो कि मैं एक बार आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े ही जाने पहचाने चेहरे होंगे, जैसे कल्याण आनंद जी हैं जो कि जिन्होंने ये जो है ना कल्याण आनंद जी, इन्होंने बड़ी सारी फिल्में जैसे अमिताभ बच्चन जी की डॉन पिक्चर में भी म्यूजिक डायरेक्शन किया है, प्लस लता मंगेशकर जी के साथ भी कई डायरेक्शन किए, वो यहाँ पर आ चुके हैं फिल्म की किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग के लिए, प्लस जिन्होंने आई एम ए डिस्को डांसर गाना गाया था बप्पी लहरी जी के साथ वो भी यहाँ पर सिंगर हैं। एंड कविता कृष्ण, क्या नाम था विजय बेनेटिक, एंड कविता कृष्णमूर्ति जी को भी आप जानते होंगे जिन्होंने जिनके कविता जी किधर है ये है, हाँ जी मिल गई तो आप इनको भी जानते होंगे, इन्होंने भी काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गाए हैं हमारे इंडिया फिल्म इंडस्ट्री में। तू चीज बड़ी है मस्त मत, थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड करूँगा अंदर। एक और चीज़ बता दो आउटफिट के बारे में, ये आउटफिट मुझे समीर भाई ने गिफ्ट की थी, प्योर आउटफिट ना, टी शर्ट से लेके ये जैकेट है, समीर मार्क ने गिफ्ट की थी। सो बहुत हम्बल इंसान है, ये देखो हमारा भाई आ गया है, वेट कर रहा था यहाँ भी आ गया। ये मेरा भाई ने इसी ने लिरिक्स लिखी है, जो भी सॉन्ग आप सुनने वाले हो ना एक आने वाला है हैशटैग समीर मान, हैशटैग समीर मान। सो ये हिंट है वो शर्मा रहे ड्रमर।
ये लोग सब सुसु करने गए क्या साथ में? आनंद और अंशुमन सुसु करने गए क्या साथ में? देखो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इंशाल्लाह भगवान की कृपा रहेगी तो सब कुछ बढ़िया होगा। एंड उसके साथ साथ यार हमारी ऑडियंस, हमारी फैमिली की भी ज़रूरत है। सो प्लीज़ जो सब्सक्राइब बटन है ना वो भी दबा देना। बहुत सारे कंटेंट आने वाले, बहुत प्यारे प्यारे, मतलब फुल्ली एंटरटेन हो गए आप लोग। नॉट हमारा रतिका स्टूडियो, रतिका स्टूडियो अंकल जी का स्टूडियो। अंकल जी वहाँ बैठे हैं, ये देखो अंकल जी को दिखाता हूँ, ये अंकल जी वहाँ पर बैठे हैं। एंड म्यूज़िक तो आप लोग सुन रहे होंगे, मैं चाहूँगा कि आप लोग म्यूज़िक पर ध्यान मत दो, बहुत हार्ड होने वाला कोई। देखो ये मेरा भाई है जिसने म्यूज़िक बनाया है। अंकल जी कुछ उसमें, अंकल जी क्या कर रहे हैं? रेफ कुछ मास्टरिंग कर रहे हैं, मास्टर हैं अंकल जी। 30 साल के आसपास का एक्सपीरियंस अंकल जी के पास। फिल्मों के भी गाने रिकॉर्ड हुए हैं जो कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने रिकॉर्ड किए अंकल जी के गाने। एंड ये हमारा रतिका स्टूडियो है, तो आप लोग आ सकते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस है। अपन ने रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर दी है और ये भाई अपना फोटोग्राफर मेरी फोटो लेते हुए, मतलब फोटोग्राफर भाई नहीं है ये, देखो मुंह बन गया उसका फोटोग्राफर बोल गया तो बढ़िया। फोटोग्राफर ज्यादा तो बड़ी गर्मी होती है इधर। दिस इज समीर मार्को, लेफ्ट वे नो राइट ऑन द मार्क वे। ये गाने में कैसा लगता है? ये हमारी छोटी सी टीम, मतलब राइटर है, म्यूजिक जिसने बनाया है, और हमारा सपोर्टर एन अंकल जी। तो आप लोग जरूर विजिट करना रतिका स्टूडियो है ना घमापुर में। अंकल जी का नंबर मैं डाल दूंगा, बहुत रीजनेबल है जैसा कि मैंने आपसे आपको बताया था मैंने। तो मिलते आगे भाई। अपना सर्जन साहू ये प्रोड्यूसर है और ये आनंद बैठे हैं पीछे, क्या पता क्यों हंस रहा है। भाई हल्ला भी बहुत हो रहा है, तो आज का ब्लॉग अपन यहीं ख़त्म करते हैं।